आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कांग्रेस की हालत से बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की मुश्किल तब और ज्यादा हो गई जब राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद सोनिया गांधी अस्थायी तौर पर पार्टी की कमान संभाल रही हैं। एक एक कर नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। मौजूदा दौर में पार्टी इस हाल में पहुंच गई है कि वो अपना भविष्य भी तय नहीं कर पा रही है। सलमान खुर्शीद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि आखिर हम किन वजहों से यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी नहीं माने और पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। हम चाहते थे कि वो पार्टी की कमान संभाले, लेकिन ये उनका फैसला था और हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी के अंदर चल रहे संघर्ष को देखते हुए ये लगता है कि आगामी हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिले। कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमें छोड़ गए और उसका तात्पर्य ये है कि वो हमारे अध्यक्ष थे, हम चाहते थे, चाहते हैं कि वो अध्यक्ष रहें। बहुत लोगों ने उनसे विनती की कि वो अध्यक्ष रहें, लेकिन उनका अपना एक मत था, उनकी अपनी एक सोच थी कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे। मैंने बार बार ये कहा है कि वो अध्यक्ष नहीं रहे तब भी वो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं और रहेंगे। कि आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे हम और बेहतर करते, लेकिन करेंगे। एक ये मान के चलें कि जब चुनौती है तो कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती है। हम लड़ेंगे, करेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक एक कदम लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी को इस स्थिति का इसलिए सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 2009 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने आत्मावलोकन में इतना वक्त ले लिया। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हालात कैसे भी हों, वो दूसरों की तरह पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी आज जिस हाल में है उसे देखकर दुख होता है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया, मगर आज जब मुश्किल हालात हैं तो वो एक एक कर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। एमपी के पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रणछोड़दास कहा। मिश्रा का मानना है कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में अपनी हार मान चुकी है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की हालत पतली हो गई है और उसके नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रणछोड़दास अगर रण छोड़ जाएंगे तो सलमान खुर्शीद को तो यही कहना पड़ेगा। सेनापति अगर युद्ध के समय चला जाए तो ये माना जाता है, जो सलमान खुर्शीद जी मान रहे हैं, कि चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने लगभग हार मान ली हरियाणा और महाराष्ट्र में। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 9 माह से कान पक गए सुनकर की जांच कर रहे हैं और इन सब के परिणाम शून्य हैं। यह सरकार केवल जांच के नाम पर चरित्र हत्या करती है। पटवारियों को भ्रष्ट इसलिए कह दिया कि सर्वे ना हो पाए और किसान को राहत ना मिले। कांग्रेस सरकार के कारण किसान बर्बादी के कगार पर है। 2-3 जिलों में राहत दी है और जो ऊंट के मुंह में जीरे के रूप में पहुंची है। कांग्रेस सरकार के अंदर मैंने प्रारंभ में भी कहा कि किसान प्रदेश का बर्बादी के कगार पे है। लगभग पूरे प्रदेश में सोयाबीन की, उड़द की, मूंग की, तिली की फसल बर्बाद हो गई। 2-3 जिलों में राहत पहुंची है सिर्फ, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा, 5-5 हजार, 7-7 हजार। क्या होगा जब लाखों की फसल बर्बाद हो गई है। पटवारियों पर दिए बयान के बाद उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब जीतू पटवारी मीडिया के सामने आए और कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात काल्पनिक है, जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सभी मंत्रियों के काम का आंकलन मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसके बाद वे मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी राज में हुए घोटालों की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता के हित में और मध्य प्रदेश के खजाने के हित में इस संदर्भ में अलग अलग समय पर अलग अलग बार मंत्रियों ने वक्तव्य दिए हैं। दायित्व है सरकार का कि उनकी जांच होगी, और इसलिए नहीं कि किसी के प्रति भावना या दुर्भावना है, इसलिए नहीं कि कोई राजनीतिक द्वेष है, इसलिए कि इस प्रदेश की जनता के खून पसीने की पैसे की अपव्यय और इसका घोटाला या इस संदर्भ में जो गबन हुआ उसका पटाक्षेप करना है सरकार का दायित्व है। कमलनाथ जी से परिपक्व व्यक्तित्व मैं समझता हूँ कोई हमारे प्रदेश में है नहीं इस तरह का,
तो उन्होंने निर्णय लिया होगा मेरे ख्याल से, तो नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। जहाँ तक ये काल्पनिक प्रश्न है जो दूसरा आपने किया, जीतू पटवारी ने कहा कि पिछले 8 महीने में कमलनाथ जी ने लोगों के भरोसे को जीतने का प्रयास किया है, यही वजह है कि अब प्रदेश की समृद्धि के लिए लोग निवेश करने आ रहे हैं। बुधवार सुबह करीब 11 बजे युवराज सिंह गीता भवन अंडरब्रिज के पास एक चाय के होटल में मौजूद थे, तभी वहां बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई और गोली मारने वाले भी फरार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी और युवराज सिंह चौहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जानने में लगी हुई है कि यह ऐसा कौन लोग हैं जिससे युवराज को जान का खतरा था। दिनदहाड़े मंदसौर शहर के अंदर हुई हत्या ने सनसनी फैला दी है। जहां यह घटना हुई वहां आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। युवराज केवल व्यवसाय से जुड़े थे और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। युवराज जब लोगों से दशहरे के बारे में चर्चा कर रहा था, तभी अचानक एक बाइक वहां आकर रुकी और उस पर पीछे बैठे युवक ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। 3 गोलियां युवराज को लगी और वो वहीं गिर गया। हमलावरों के भागने के बाद आसपास के लोग हिम्मत करके वहां पहुंचे और युवराज को उठाकर ऑटो रिक्शा में रखकर अस्पताल पहुंचाया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसके तहत अब महापौर पार्षदों में से एक चुना जाएगा, यानी चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। बुधवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग अध्यादेश की अधिसूचना जारी की। निगम चुनाव व्यवस्था में करीब 20 साल बाद बदलाव होने जा रहा है। सन 1999 के प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से नगर निगम में महापौर, नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। दिग्विजय सिंह के लिए इस बदलाव को कमलनाथ सरकार ने पलट दिया है। कैबिनेट ने अनुमति कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राज्यपाल को चुनाव प्रणाली में संशोधन का अध्यादेश मंजूरी के लिए भेजा था। भाजपा के तमाम विरोध के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने ट्वीट कर राज्यपाल को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी, तो मामले के उलझने के आसार बढ़ गए थे। इसका आभास होते ही सरकार हरकत में आई और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कमान संभाली। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और यह भरोसा दिलाया कि सरकार जिन लोगों ने राजभवन की गरिमा के खिलाफ सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाकर राज्यपाल पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वह उनके निजी विचार हैं। सरकार के पक्ष से संतुष्ट होने के बाद राज्यपाल ने मंगलवार को अध्यादेश को अनुमोदन दे दिया। राजभवन की ओर से अधिकृत तौर पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को स्पष्ट किया है कि सरकार संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर प्रतिबद्ध है। राजभवन की ओर से कहा गया है कि राज्यपाल का दृढ़ अभिमत है और कि संवैधानिक पदों के विवेकाधिकार पर टीका टिप्पणी करना संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव न करने का मामला गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि इस निर्णय से लोकप्रिय जनसेवक अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। सरकार के इस अध्यादेश के लागू होने से लोकप्रिय और आर्थिक रूप से कमजोर लोग, जो वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में जनसेवा कर रहे हैं, वे अब सरकार के इस अध्यादेश से अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ पर जनता से सीधे अध्यक्ष और महापौर चुनने की व्यवस्था है, और इसके साथ ही अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि भ्रष्ट, निकम्मा और अलोकप्रिय हो तो उसे वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल, भी भाजपा शासन में लागू हुआ। इस अध्यादेश से जनप्रतिनिधियों में निरंकुशता बढ़ेगी, क्योंकि एक ओर चुने गए जनप्रतिनिधि मनमानी करेंगे। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिसमें राइट टू रिकॉल की भी व्यवस्था थी। यदि आप अपने प्रतिनिधि से असंतुष्ट हैं और निकम्मा है, नाकारा है, अलुप्रिय है, भ्रष्ट है, तो आप उसके लिए वापस ही बुला सकते थे। जनता को अधिकार दिया गया था, लेकिन अभी सारे अधिकार छीन लिए गए। परोक्ष रूप से चुनाव कराने में पार्षदों से चुनाव होंगे, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे लोग जो लगातार जनता की सेवा इस उद्देश्य से कर रहे थे, कभी उनके लिए भी वक्त मिलेगा? भले ही वो गरीब हों, भले ही वह लाचार हों, लेकिन अब वो बाहुबलियों के, धनबलियों के आगे अब निर्बल हो जाएंगे, और ऐसे लोकप्रिय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। भार्गव ने कहा कि यह अध्यादेश एक लोकप्रिय और जनाधार विहीन भयग्रस्त सरकार के द्वारा लाया अध्यादेश है। इससे प्रदेश के नगर अब विकास की दौड़ से पिछड़ जाएंगे। सरकार धन बल, बहुबल और सत्ता बल के आधार पर गिने चुने पार्षदों को प्रभावित करेगी। आम मतदाता की आवाज का कोई महत्व नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद ही तत्काल लोग अभी से पार्षदों को प्रभावित करने के हथकंडे अपनाने लगे हैं।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद सरकार को तंग हाली का सामना करना पड़ रहा है। कमलनाथ सरकार को एक तरफ से कंगाल सरकार कहा जा सकता है। स्थिति इतनी विषम है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल पर सरकार को अतिरिक्त टैक्स लगाना पड़ रहा है। पैसा नहीं होने के कारण कई निर्माण कार्य बंद पड़े हैं। ऐसे में कमलनाथ सरकार को इन्वेस्टरों से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि अब से पहले भी कई बार ऐसे आयोजन हुए पर प्रदेश को उसका लाभ कम ही मिला है। इंदौर में 17 और 18 अक्टूबर को मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन सरकार ने किया है। इसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव एस आर मोहंती ने ब्रिलियंट कन्वेक्शन सेंटर में प्रमुख सचिव राजेश राजौरा और संजय शुक्ला के साथ अधिकारियों की बैठक की। बैठक में संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर, कलेक्टर लोकेश जाटव, निगम आयुक्त आशीष सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचिवर्धन मिश्रा सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजसी वेशभूषा में अपने बेटे के साथ आज शाम शमी पूजन के लिए मांढारे की माता के पास दशहरा प्रांगण पहुंचे। इस अवसर पर सिंधिया राजघराने के सरदार और सिपा सलहर रहे मुख्य लोग भी मौजूद थे। सिंधिया ने उनसे मुलाकात की। तत्पश्चात सिंधिया राजवंश की धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज के अनुसार उनके राजपुरोहितों के विधि विधान से शमी पूजन कराया और उसके बाद श्री सिंधिया ने तलवार से शमी के वृक्ष को छुआ और इस तरह शमी पूजन की विधि संपूर्ण हुई। जो वर्तमान में मेरा राज्य जो बाढ़ ग्रस्त रहा है पिछले 1-1.5 माह में, चाहे वो मालवांचल की भूमि हो चाहे ग्वालियर चंबल की भूमि हो, सभी बाढ़ग्रस्त इलाके में एक शांति का वातावरण तैनात हो, आने वाले समय में हमारे किसान खुशहाल हो और एक अमन चैन का वातावरण मेरे देश में हो, यही एक कामना है। और यही दशहरे से एक सीख हम लेते हैं कि एक वासुदेव कुटुंबक पूरा विश्व एक परिवार है। सिंधिया राजवंश के पुरोहितों ने बताया कि यह सिंधिया राजाओं की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। जब राजा कोई युद्ध जीत कर आते थे तो शमी पूजन करते थे जिससे उनको युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मिलता था। वहीं जानकार लोगों का कहना था कि शमी वृक्ष जीत और संपन्नता का घोतक है। दशहरे पर पूजा के बाद तलवार से शमी वृक्ष को छू कर उसकी पत्तियां बांटी जाती हैं और अच्छे सुखमय जीवन की कामना की जाती है जिससे हर कार्य में सफलता हाथ लगती है। डबरा सिटी थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि नाबालिग किशोरी सुबह शौच के लिए निकली तभी पड़ोसी में रहने वाला युवक अपने 3 साथियों के साथ उसका अपहरण कर ले गया और उस 18 घंटे तक बंधक बना के रखा और 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की के लापता होने पर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन लड़की को ढूंढने में पुलिस ने कोई खास प्रयास नहीं किया। सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग इस घटना से इतनी विचलित हो गई है कि उसने आत्महत्या तक करने का प्रयास किया है। जिसकी जानकारी उसके परिजनों को लगी तब परिजनों की शिकायत पर सिटी पुलिस ने अपहरण दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को रिपोर्ट हुई थी और सभी 4 आरोपियों को थाना प्रभारी डबरा सिटी ने तत्काल अपने बल के साथ घेराबंदी कर 4 को अपने अरेस्ट कर लिया। ये लोग पहले से थोड़ा बहुत पहचानते जानते पहचानते थे और इसके चलते आना जाना इनका रहा और घटनाक्रम घटित। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर 12 घंटे तक जीतू साहू, सोनेश, कपिल और गोपाल ने उसे बंधक बनाकर पिछोर तिराहा के पास रखा और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले 4 युवक मुझे जबरदस्ती अपहरण कर ले गए और नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। अपहरण के 18 घंटे के बाद देर रात नाबालिग लड़की अपने घर पहुंची। बिलासपुर में पेंड्रा के पास श्रद्धालुओं से भरी बस केंदा घाटी में हादसे का शिकार हो गई। बस के खाई में गिरने से दर्जनों लोग गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें तत्काल इलाज के लिए बिलासपुर सिम्स रिफर किया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। श्रद्धालुओं से भरी बस मध्य प्रदेश के शहडोल के मऊ आश्रम से छत्तीसगढ़ के कसडोल आ रही थी तभी यह हादसे का शिकार हो गई। बस खाई में गिरी और एक पेड़ से टकरा कर रुक गई जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे की और जांच की जा रही है।
रीवा जिले में प्राचीन धार्मिक स्थल लक्ष्मण बाग मंदिर के पुजारियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसके विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने चेतावनी यात्रा निकाली और कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा में उपद्रवियों द्वारा देशद्रोही लिख दिया गया था, जिन्हें पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। पुलिस द्वारा लक्ष्मण बाग मंदिर के वृद्ध पुजारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो निंदनीय है। ब्राह्मण समाज इस कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो कृत्य निश्चित रूप से कोई शरारती तत्व है, तो उनको ढूंढे पुलिस, उनको उनसे बात करे। इनका कोरे कागज में दस्तखत बनवाना है और फिर इनको प्रताड़ना करना, तो ये बेचारे 10 दिन से खाना पीना छोड़े हुए हैं। जो गलत लोग हैं जिन्होंने ऐसा लिखा है, राष्ट्रद्रोही लिखा है जो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, उनको ढूंढे वो। लेकिन इसमें निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि पुजारी तो निश्चित रूप से नहीं है। छतरपुर में एक बदमाश का दांव उल्टा पड़ गया और उसकी जमकर पिटाई हुई। लड़की जब बस स्टैंड से घर की तरफ लौट रही थी, तभी एक बदमाश ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। लड़की बदमाश के इरादे भाप गई थी और वह चौकन्ना थी, इसीलिए पर्स पर हाथ लगते ही उसने शोर मचाया और बदमाश को पकड़ लिया। पहले लोग बदमाश से माफी मंगवाकर उसे भगाना चाहते थे, तब तक कुछ लोगों ने बदमाश को समझाइश दी और लड़की ने चप्पल से बदमाश की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक पर्स छीनने वाले की जमकर पिटाई हो चुकी थी और वह मौके से भाग गया था। मध्य प्रदेश में कैरी योर ओन बैग अभियान चलाया जाएगा। अब तक भोपाल में इसके तहत 15,000 बैग बांटे जा चुके हैं। कपड़े के बैग बनाने के लिए महिलाओं की स्वसहायता समूह को स्वरोजगार दिया गया है। इन समूहों ने पुराने कपड़े से बैग सिलना शुरू कर दिया है। पुराने कपड़ों के कलेक्शन के लिए नगर निगम ने सभी जोन कार्यालयों में कपड़ा कलेक्शन बैंक की व्यवस्था की है। साथ ही कियोस्क सेंटर से लोग पुराने कपड़े देकर निःशुल्क बैग सिलवा सकते हैं। लोगों और व्यापारियों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने के लिए निगम अमला व एनजीओ मिलकर काम कर रहा है। लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। नगर निगम के अपर आयुक्त राजेश राठौर ने बताया कि कुछ एनजीओ और संस्थाएं खुद ही कपड़े के बैग बांट रहे हैं। नगर निगम ने भोपाल के बड़े तालाब को प्लास्टिक फ्री जोन बनाया है। लोगों की सुविधा के लिए कियोस्क सेंटर खोला गया है। यहां 5 रुपए में कपड़े के बैग दिए जा रहे हैं। बैग वापस करने पर यह राशि वापस की व्यवस्था भी की गई है। यहां शहर के हर हिस्से से लोग घूमने फिरने आते हैं, लेकिन इसीलिए इस जगह को प्लास्टिक फ्री किए जाने से लोगों को प्लास्टिक के अभियान से रूबरू हो रहे हैं। इसी तहत तरह न्यू मार्केट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जहां दुकानदारों को प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने के लिए समझाइश दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव एवं कृषि मंत्री सचिन यादव दशहरे पर अपने ही अंदाज में नजर आए। अरुण यादव दशहरा समारोह में जाने के लिए पारंपरिक वाहन बैलगाड़ी का सहारा लिया। उनके पीछे कुछ और बैलगाड़ी चल रही थी, जिनमें से एक पर कृषि मंत्री सचिन यादव भी बैठे नजर आए। इसके बाद अरुण यादव ने सड़क पर जमकर बैलगाड़ी दौड़ाई। अरुण और सचिन यादव अपने गृह ग्राम बोरावा के ग्रामीणों के साथ दशहरा पर बैलगाड़ी से जाते हैं। देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।